जी हाँ, बहुत देर में आया है, वो भी गया होता है। तो अभी हम लोग घर के पीछे आ चुके हैं, मतलब थोड़ा सा रिवर फ्रंट का एक हम लोगों ने कोना पकड़ा है, हरा हरा ग्रीनरी वाला। और हमारे साथ हैं एज यूजुअल हमारे पुराने शरद मेड डैड। हम पुराने ही हैं, पुराने आदमी, एकदम पुराना चावल है, जल्दी नहीं गलते हैं। इनको कुकर में डाल के बहुत सीटी मारनी पड़ती है। तो जे अभी हम लोग यहाँ पे शूट करने आए हैं, तो बहुत टाइम से व्लॉग वगैरह कुछ नहीं रहे थे, चैनल पर सन्नाटा छाया हुआ था एकदम वीराना, मगर अब वो वीराना टूट जाएगा। और रीज़न ये है कि काफ़ी एन नंबर ऑफ रीजन थे, काफ़ी काम थे जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था, और थोड़ा सा फिर कोविड वगैरह सब कुछ हो गया था। तो हमने वैक्सीनेशन वगैरह सब करवा लिया है सब लोगों ने, उसके बाद हम लोग बाहर निकले हैं। तो इसी वजह से अब पहले तो आप जाके देख के आइए वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या हुआ। आ गए हैं ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम वैक्सीनेशन सेंटर। अभी देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ है, मगर देखने से तो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब अच्छे से इन लोगों ने इसको मेंटेन किया हुआ है। बाकी देखते हैं, अभी चलते हैं अंदर और वैक्सीनेशन करवा लेते हैं अपना भी फर्स्ट डोज। तो बेसिकली इसको बनाया गया यहाँ पे, और ये 1, 2, 3, 4 साइट हैं। तो जब आपको मैसेज आता है, तो जो स्टेडियम में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो उसमें आपको देखना पड़ता है कौन सी साइट में है आपका। तो मेरा साइट नंबर 4 में पड़ा है, तो चलते हैं और वैक्सीनेशन करवा लेते अपना। अभी वैक्सीनेशन हो गया है, अब घर जा रहे हैं, देखते हैं अगर सामने मौसम अच्छा होता है तो ड्राइव पे निकलेंगे, या तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो आप लोग वीडियो देख के वापस आ गए हैं, तो अब हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पे एक वीडियो शूट करना है, जो कि एज़ यूजुअल शरद मेड दैट लगे हुए हैं नए कैमरे के साथ अपने, ऐसा वैसा नहीं, कैनन ईओएस आर एक्सक्लूसिव एडिशन। मतलब लोगों को, लोग इस एक कैमरे के जितने पैसे लेते हैं, इन्होंने एक कैमरे के अंदर 2 कैमरे के पैसे दिए हैं। वो भी अपने आप में एक स्टोरी है, किसी नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे आके कहीं डिटेल में। कभी कॉफी में बेचारा जब कॉफी नहीं, और ये देख सकते हैं स्पेशल गेस्ट। और हमारे साथ एक न्यू मेंबर भी हैं, ये रहे, तो इनका नाम है, प्लीज बताने का कष्ट करें, राइड अर्बन। और आप इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो वीडियो शूट होगी, इसका भी लिंक मैं अपने 2-3 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि एज यूजुअल मुझे पता ही है एक बार में हो नहीं सकती है, प्रमोशन भारी होनी चाहिए, तो इसीलिए 2-3 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं, और ताकि आप इनको जाएं, इनके मज़ेदार चटपटे इनके चटपटी वीडियो देख सकें। और आई होप आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आएगी जिसमें हम दोनों ने ह्यूमन वर्सेस ट्राइपॉड किया था, क्योंकि काफ़ी अच्छी वीडियो थी। हम लोग चार्ली चैपलिन से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की थी हम लोगों ने, और आई होप सो अच्छी लगी आपको। तो अब आप ये मान के चलिए कि व्लॉग कंटिन्यूएशन में आएंगे, आप लोगों को कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी कि व्लॉग क्यों नहीं आए, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया है। तो अभी लोकेशन शिफ्ट करनी पड़ गई, क्योंकि कुछ महान लोग आ जाते हैं जब आप शूट करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब आप शूट करते हैं, लोगों को लगता है कि कोई बड़ी मूवी की शूटिंग चल रही है, हर कोई आगे खड़ा हो जाता है, और काफ़ी मतलब अजीब सा लग जाती है वो सिचुएशन। तो अभी हम लोग एक शांत लोकेशन ढूंढ रहे हैं, तो व्यू आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा खासा हो रखा है, बड़ा प्लेजेंट सा वेदर, एकदम उत्तराखंड वाली फील आ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर पहाड़ों वाली, वादियों वाली। तो अब देखते हैं कोई ढंग की लोकेशन, और फिर कोशिश करते हैं हम लोग शूट करने की वीडियो को। होप सो, कोशिश यही कि आज कंप्लीट कर दें उसको हम लोग। हाँ बिल्कुल, लगता है कॉन्शियसनेस होती है ना कि हाँ, सालों की तपस्या का फल मिला है, वो फल कहीं सालों गुल ना हो जाए, सालों की और जीजाओं की तपस्या का फल। बहुत ढेर सारी माथा पच्ची के बाद थोड़ा सा वीडियो लाइन पे आया है, इनको इनके सवालों के जवाब और जवाबों के सवाल दोनों मिल गए हैं। सो मैनी कैमरास एंड सो मैनी
फीचर्स कैनन से घिरे हुए हैं इस वक्त। बाप बेटा हैप्पी फादर्स डे टू रिश्तेदार 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 सौतेला बेटा रिश्तेदार चाचा जी का लड़का चाचा जी का लड़का। देखो लाइक क्या चीज यूज करें कट उम्मीद यही था एक बार अरे उतरो अपनी उम्मीद पहले की रात को होल्ड करें अपने कैमरे पे मौज मौज सब अच्छे ठीक है रेडी एक्शन 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 रेडी एक्शन। तो सबसे पहली टेक्निक आती है कैसे होल्ड करें अपने कैमरे को टू अवॉइड मोस्ट ऑफ द शेक जो हिल रहा है कैमरा इधर उधर भाग रहा है सबसे ज़्यादा शेक अवॉइड कैसे करें सबसे आसान टेक्निक होती है कैमरा स्ट्रैप। जी हाँ बहुत देर में आया है वो भी गया होता तो अभी शाम हो गई है और लगभग मान के चलिए काफ़ी हद तक वीडियो शूट हो गई हम लोगों की और ये थक के बैठे हैं हमारे एक्टर ये हमारे एक्टर बैठे नीचे जो कि दिखाएंगे आपको अपना अल्टीमेट लेवल ऑफ स्टेबलाइजेशन अपने हाथों का जादू दिखाएंगे बिखेरते हुए अपनी वीडियो में गोवा जादू का बन जाएंगे ये कैमरा छूते ही इनके वो एकदम ऐसे रुक जाता है समय रुक जाता है कैमरे के अंदर और सब स्लोमो में चला जाता है। तो आज के लिए ब्लॉग यार यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि शाम होने लगी है थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा तो तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको यहाँ तक आपने ब्लॉग देख लिया हो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और बाकी जितनी भी डिटेल हैं आपको इस वीडियो से लेके आने वाली एक दो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा ताकि वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो आप जिस भी ब्लॉग में हो आप वो वीडियो जाके देख लें और उस वीडियो का भरपूर आनंद उठा लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और दिन तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।